हम लोग पहुंच गए बैंगलोर एयरपोर्ट। और हाँ, मुंबई एयरपोर्ट जाने के लिए हमें सुबह 2 बजे उठना पड़ा था, तो हम बहुत नींद में हैं। हम लोग बैंगलोर पहुंच गए, बैंगलोर एयरपोर्ट पे हैं और अभी निकलने वाले हैं। फर्स्ट टाइम मैं बैंगलोर आई हूँ। इससे पहले बैंगलोर आई थी तब सिर्फ कनेक्टिंग फ्लाइट थी। अब पहली बार एयरपोर्ट से बाहर निकल के हम लोग यहाँ पे हैं और हमारी ट्रिप स्टार्ट हो गई है। हमारे साथ है ड्राइवर अंकल, मतलब हम 4 लोगों के लिए हमने गाड़ी की है। उन्होंने ये सजेस्ट किया है ये जगह जहाँ पर हम नाश्ता कर सकते हैं, आडियार आनंद भवन। यहाँ पर जो नाश्ता है ना, बहुत टेम्पटिंग लग रहा है और बहुत लंबी क्यू है। योगेंद्र और अभिजीत गए हैं ब्रेकफास्ट लाने के लिए और मैं और रेनू का वेट कर रहे हैं। फाइनली आ गया है, बहुत टेम्पटिंग है। सब कुछ बहुत टेस्टी है। हमने आलू पूरी ली है और साथ में डोसा लिया है, मैंने डोसा लिया है। अब यहाँ पर आए हैं और फिल्टर कॉफी ना पिए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो जस्ट रेस्टोरेंट के बाहर उन्हीं की ये फिल्टर कॉफी है जो हमने भी ऑर्डर की है। ये देखिए कैसे बना रहे हैं, एकदम गर्मा गर्म। कॉफी बहुत ही अच्छी है, रिच है, बहुत अमेजिंग है। नेक्स्ट हम जा रहे हैं मडकेरी, जो कि कूर्ग रीजन में आता है और बैंगलोर से 5 से 6 घंटे की ड्राइव पर है। तो एक जगह पर बीच में हम रुके हैं, यहाँ पे थोड़ा खाना खाएंगे, लंच करेंगे और थोड़ा टाइम पास, फोटोग्राफी वगैरह। अभी खाना खा लिया, अब पता नहीं कि गाड़ी में बैठेंगे। क्या कर रहे हो योगेंद्र? मैं कुछ नहीं, जरा अपनी बैग तो दिखाओ, अच्छे से पोज करो बैग के साथ में। ओह माय गॉड, अजय भाई कुछ बैग। कूर्ग के रास्ते में ही हम कवर कर रहे हैं गोमतेश्वर स्टैचू, जो कि एक बड़ी चट्टान में बनाया गया है और बहुत सारी सीढ़ियां हैं और ये चढ़कर जानी है। यह है गोमतेश्वर स्टैच्यू। बड़ी मेहनत से हम यहाँ आए हैं, बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ के, और यहाँ का व्यू अमेजिंग है। पूरी सिटी दिख रही है और इतने सारे पेड़ जंगल यहाँ से नजर आ रहे हैं, ब्यूटीफुल। हम लोगों ने अभी गोमतेश्वर मंदिर देखा और मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते पहले हमारी बहुत ज़्यादा वाट लगी। बहुत ऊपर है, एक बड़ी बहुत बड़ी चट्टान में ये कार्व करके बनाया गया है। इससे ज़्यादा हिस्ट्री हमें पता नहीं है, अब हम देखेंगे। बट चढ़ना बहुत टायरिंग था, पर ऊपर जाने के बाद हमने बहुत सारी फोटोज़ खींची और अब हम फाइनली नीचे उतरेंगे। बाय द वे, हमने यहाँ चढ़ने के लिए सॉक्स खरीद लिए थे जिनका हमें कुछ भी यूज़ नहीं हुआ। अगर आप यहाँ पर आते हैं और अगर आपको कोई नीचे सॉक्स सेल कर रहा है तो लेने की ज़रूरत नहीं है, उससे बेटर ग्रिप बिना सॉक्स की ही आएगी। तो अब हम जा रहे हैं नीचे। 30 रुपये बच गए आपके। हाँ, आप लोगों के 30 रुपये बच जाएंगे पर पर्सन। आप लोगों को कुछ कहना? हम लोगों को खाली नीचे जाना है, फोटो खिंचवाने के लिए आए हैं। लीजिए लीजिए, हम टूरिस्ट है। ओके ओके ओके, बोलो बोलो। इसने हम लोग भी क्या बोले, वही मंदिर आए हैं ना, वही मंदिर आए हैं। लेकिन मेरे 30 रुपए काम में आए, मेरे 30 रुपए काम में आए। देखो देखो, 30 रुपए का यूज किया है, पूरे का पूरा यूज किया है। हमारे 30 रुपए हमने उड़ा दिए, पर्स में रख दिए, 30 रुपए। अब क्या करोगे इसका? अब घर जाने के बाद उसको पहनेंगे ना, विंटर में धोके। यहाँ ऊपर आने के बाद जो व्यू दिख रहा है ना, वो देखकर लग रहा है कि चढ़ने की पूरी मेहनत ना सफल हो गई है। हम लोग जिस पहुँचे यहाँ पे कूर्ग में, मडकेरी नाम की जगह है और यहाँ पे काफ़ी ठंड है, एकदम ठंडा ठंडा मौसम है यहाँ का। अभी हम लोग उतरे हैं, फिल्टर कॉफ़ी पियेंगे और उसके बाद हम हमारे रूम पर जाएंगे। मतलब जितनी गर्मी हमें वहाँ हो रही थी पुणे में, उतनी यहाँ पे ठंड है और बहुत ही मज़ा आ रहा है। अब हम फिल्टर कॉफ़ी पीने जा रहे हैं, चलो। प्लेन डोसा, मसाला डोसा, सेट डोसा, ओपन बटर डोसा, बटर प्लेन डोसा, बटर मसाला डोसा, घी। हमने ऑर्डर किया है घी रोस्ट डोसा, जो कि बहुत टेम्पटिंग दिख रहा है।
कल रात को हम लेट पहुंचे थे हमारे होम स्टे में और अभी सुबह हो गई है, नेक्स्ट डे है हमारी ट्रिप का। और जो हमारा होम स्टे है ना, ये होटल टाइप नहीं है, होम स्टे है। यहाँ से व्यू बहुत अमेजिंग है। रात को जब हम आ रहे थे तो हमें लग रहा था भाई कहाँ जा रहे हैं, जंगल में इतना छोटा रास्ता, चढ़ाई और पूरे पेड़ पेड़, लाइट नहीं है। पर अभी सुबह उठकर देख रहे हैं तो ये इतनी सुंदर जगह एकदम नेचर के बीचों बीच, और ये जो कमर्शलाइज्ड एरिया है उससे थोड़ी अंदर है। ऑफिशियली आज हमारी ट्रिप का फर्स्ट डे है, कल का दिन पूरा ट्रैवलिंग में गया। वैसे ट्रैवलिंग के साथ हम एक जगह भी गए थे। मैं अभी जस्ट नहा के आई हूँ और अभी थोड़ा सा हम लोग रेडी होंगे और उसके बाद हम जाएंगे आज के दिन घूमने। यहाँ जो हमारा स्टे है इसके अगल बगल एकदम घना जंगल है, ये इतना सुंदर है। ये लंबे पेड़ों के नीचे जो आप छोटे पेड़ देख रहे हैं ना, एकदम पौधे नहीं है, छोटे छोटे पेड़ है, ये कॉफी प्लांटेशन है। यहाँ पर कॉफी उगाई जाती है। कहाँ जा रही हो? मैं नाश्ता करने। अगर तुम्हें नहीं कर रहा तो तुम्हारे हिस्से का भी मैं ही खा लेती हूँ, हम खा लेते हैं। कल से वही तो कर रही हो तुम। हाँ? कल से वो वही तो कर रही। अरे देखो कैसी है ना, प्लास्टिक की कढ़ाई जैसी। इसी टेबल पे ब्रेकफास्ट सब हो गया, खाने के लिए भूखे लोग तैयार। यस यस। यहाँ का लिविंग रूम है, सोफा, टीवी, अच्छी अरेंजमेंट। उसके बगल में खाने के लिए नाश्ते में महिला खाने के पहले ही नाच रही है। देखो ये, इसको मैंने बोलने से मना किया है क्योंकि बहुत ही बकवास करते रहती है। और बाहर देखिए प्रॉपर्टी में क्या है। यहाँ पे भी सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छे से है। और ये लॉन बहुत ही सुंदर है। और ये भी ब्रेकफास्ट में देखो, उपमा चेकर देखो अपने, ये अपने को छुपे बिठाता है कभी भी। अरे ये तुम मुझे कितना डांटते हो, तुमको पता नहीं है फिर मैं हमेशा मुंह पे तो हाथ रखती हूँ। होम स्टे में ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है और आज का नाश्ता है उपमा, थोड़े मोटे रवे का यानी मोटी सूजी का बना हुआ है, बहुत सारी वेजिटेबल्स है और बहुत टेस्टी है। नाश्ता हो गया, आप थोड़ा टाइम पास किया जाए। जो प्रॉपर्टी है ये काफी अच्छी है। वैसे इस होम स्टे में दो रूम्स हैं जिसमें हम रह रहे हैं, उसके अलावा तीन और रूम्स हैं और वो लोग लास्ट नाइट ही चेकआउट कर चुके हैं, इसलिए फिलहाल हम ही लोग हैं यहाँ पर, हम चार लोग। अब हम जा रहे हैं घूमने के लिए। रात को हमने ये रास्ता जब देखा था हम बहुत डर गए थे। देखिए कितना नैरो है कि दो गाड़ियां अगर आमने सामने आ गई तो बड़े आराम से रुककर एडजस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज एक साइड में ना खाई है और कोई लाइट नहीं थी यहाँ पर। और एकदम मतलब काफी स्टीप है, ढलान है, चढ़ाई है। और ये आ गई जो मेन रोड है, बाय द वे मेन रोड भी एकदम घाट में ही है। तू बिना इशारा के दबा दे उसका, चलता है मुझे। देखो मेरी बीवी बोल रही है अपने खुद के हस्बैंड का गला दबाने का। तो क्या हो गया, सब बीवियां वैसे ही बोलेंगी। हम लोग अभी आए हैं त्रिवेणी संगम। तो यहाँ पे मेंशन्ड है कि कावेरी, संयुक्ति और सिजोती, ये तीन नदियों का यहाँ पे संगम है, तो यहाँ पर ये मिलती है। और हम लोग आए हुए हैं ऐसे कपड़ों में, इसलिए हम जानबूझ के वहाँ जा नहीं रहे। नीचे वहाँ पे सब बोर्ड्स लगे हुए हैं कि शॉर्ट्स पहनना अलाउड नहीं है, सिर्फ सूट होना चाहिए, साड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ से ही हमने देख लिया है ये। और इसके बाद हम जाने वाले हैं तल कावेरी, जो यहाँ से थोड़ा सा और आगे है, ऊपर भी है क्या, हाइट पे है क्या वो, थोड़ा सा हाइट पे। तल कावेरी एज इन ओरिजिन ऑफ कावेरी रिवर, ओरिजिन ऑफ कावेरी।
त्रिवेणी संगम के बाद अब हम जा रहे हैं तल कावेरी। पूरा रास्ता एकदम जंगल से भरा हुआ, पेड़ पौधे, खाई है, खाई में भी इतने लंबे लंबे पेड़ है। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं और हम लिटरली बादलों में हैं। हमारे सामने भी हमें बादल दिख रहा है और जहां हम खड़े हैं यहां पर भी आ जा रहा है बादल। अभी आया है तल कावेरी टेम्पल, तो यहाँ पे मंदिर में हम क्लाउड्स में, हमें दिख रहा है कि क्लाउड्स यहाँ से जा रहे हैं और आसपास ये पूरा ऊपर तो क्लाउड में चला गया है। यहाँ से व्यू भी बहुत अमेजिंग है। ये जो कॉर्नर है यहाँ पे सब लोग फोटो खींच रहे हैं और थोड़ा नंबर लगा के हमें ये कॉर्नर मिला है, तो अब हम इसका यूज़ करेंगे थोड़े से फोटोज क्लिक करने के लिए। Please, you can email your nearest corporator or government official. कैसा लगा? मस्त। क्या पर? कितना छोटा सा क्या 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 मस्त लगा? क्लाउड, पूरा नेचर, मंदिर, जा नहीं पाए कपड़ों की वजह से, ये भी और ये भी, दोनों तुम दोनों, ये भी भाई भी नहीं जा पाए। हमें आने के बाद पता चला कि यहाँ पे बंदियों के तो चलो शॉर्ट कपड़े चलते नहीं है, लेकिन बंदे के भी नहीं अलाउड है, इसलिए हम लोग ऊपर नहीं जा पाए, ऊपर का नजारा नहीं देख पाए। खेद है, पर अभी हमने बादल सूंघे और इनहेल किए। अरे योगेंद्र, मंदिर वाली पहाड़ी के जस्ट बगल में जस्ट थोड़ा सा नीचे आके ये स्पॉट है जहाँ इतना सुंदर पेड़ है और रास्ते भी इतने अच्छे हैं, और यहाँ पर हम करें थोड़ा सा टाइम पास एकदम बादलों के बीच। जब भी हम ट्रिप पर जाते हैं तो हमें इस तरह के वीडियो बनाने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि अभिजीत के हाथ में कैमरा होता है या फिर कोई और मोबाइल लेकर भी हमारा फोटो वीडियो बनाने के लिए नहीं होता है, पर इस बार ये पॉसिबल है और बहुत मज़ा आ रहा है। मंदिर के बाहर ये स्पेस है, हमने ऊपर से देखी थी, मंदिर के अंदर तो हम जा नहीं पाए और मैं इतना हाफ रही हूँ क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत सारी फोटोज खिंचाई और उसके बाद हम लोग यहाँ पे ऊपर चढ़ के आए, थोड़ा सा टीला टाइप है, इस पे चढ़ के आए हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल है यहाँ पे नज़ारा। अब मंदिर के अंदर तो जा नहीं पाए तो सोचा यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। बहुत सुंदर एक यहाँ पे पेड़ है ये वाला, और यहाँ पे जस्ट खाई है जिसके आगे हम जा नहीं रहे, और पूरे बादल बादल और बादल बादल बीच बीच में, यहाँ तो बादल ऑलरेडी है, एकदम ओस ओस वाला बादल बादल वाला लग रहा है। बहुत ही अच्छा वेदर है, मतलब जितनी गर्मी हमें हमारे सिटी में हो रही है उतना ही प्लेजेंट और अच्छा वेदर है यहाँ का, बहुत ही मज़ा आ रहा है। हमें पहले लग रहा था कि कहीं ज़्यादा बारिश वारिश ना हो जाए क्योंकि कूर्ग में मई में बारिश शुरू होती है, पर थैंकफुली ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। यहीं पर एक छोटी सी शॉप है जहाँ एकदम जूसी पाइनएप्पल मिल रहे हैं, जो टेम्पटिंग दिख रहे हैं, भेल वगैरह है और हम खाने वाले भेल हमने ऑर्डर किए हैं। ये सामग्री जाने के बाद मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट आया। योगेंद्र, वरच्या एंगल मधून काही वेगळं दिसतं का? हमारे ग्रुप में सबसे लंबा आदमी इससे पूछ रहा है। इससे पहले कि सिल जाए हम इसे खा लेंगे और कैमरा बंद करेंगे। यहाँ पाइनएप्पल बहुत ही जूसी, मीठा और टेस्टी है। एक्सप्रेशंस दिख, एक्सप्रेशन से बताओ कैसा है? जूसी है। अब हम वापस जा रहे हैं मडकरी और वहाँ पे हम लंच करेंगे, और उसके बाद एक और जगह है जो हम आज के दिन में कवर करने वाले हैं। हम लोग आए हैं एक रेस्टोरेंट में जहाँ ऑर्डर की है ये साउथ इंडियन मील थाली। इसमें काफी सारे आइटम्स है, फिर भी ये बहुत हैवी बड़ी थाली नहीं है। बेसिक सब्जियां हैं, दाल है, और बहुत ज्यादा ऑयली सब्जी नहीं है। और हमारा फेवरेट, यानी मेरा और अभिजीत का फेवरेट है इसमें रसम, हमें रसम बहुत पसंद है।
नेक्स्ट हम आए हैं राजा सीट, जो कि एक छोटा सा गार्डन है और गार्डन की एक साइड वैली फेसिंग है जहाँ से बहुत अच्छा सनसेट का व्यू आता है और लोग यहाँ पर काफ़ी सारे, बहुत भीड़ है, लेकिन व्यू कुछ दिख नहीं पाएगा। ये देखिए, यहाँ से सनसेट दिखेगा नहीं क्योंकि इतने क्लाउड्स हैं। यहाँ कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद हम जाने वाले हैं अपने रूम पर वापस। हम लोग अभी जस्ट पहुँचे हैं अपने होम स्टे में वापस स्कूल में, और जहाँ भी हम घूमने फिरने गए थे टुवर्ड्स दी एंड अभी बारिश भी शुरू हो गई है और काफ़ी अंधेरा सा हो गया है। टाइम पता नहीं, मेरा ध्यान नहीं कितना हुआ है, बट एकदम अंधेरा हो गया है, हल्की हल्की बारिश हो रही है और एकदम ठंडा ठंडा वेदर हो गया है। बोलते हैं कि मिड मई से यहाँ बारिश शुरू होती है और आज है 15 तारीख, एकदम एग्जैक्ट 15 तारीख को अभी शाम को यहाँ थोड़ी बारिश शुरू हुई है। बहुत तेज़ नहीं है, हल्की फुल्की है। आज के दिन का घूमना फिरना तो यही था हमारा, थोड़ा घूमे फिरे हम लोग, खाए, अब थोड़ी देर यहाँ पर रुकेंगे और फिर खाने का प्रबंध किया जाएगा। आज हमारी ट्रिप का day 3 है और आज भी हम कूर्ग में ही हैं। पहले भी हमें ब्रेकफास्ट करना है। हम लोग एक्चुअली होटल में नहीं रुके हैं, हम लोग रुके हैं एक होम स्टे में, तो यहाँ पर पहले बताना पड़ता है कि कुछ खाना चाहिए, ब्रेकफास्ट चाहिए। आज हम खाने वाले हैं डोसा, ये हमें पता चल गया है यहाँ पे होम स्टे में, तो वेट कर रहे हैं कि कब हमें बुलाया जाएगा कि ब्रेकफास्ट रेडी है और उसके बाद हम लोग घूमने निकलेंगे। तो देखना ये है कि आज हम कौन कौन से पॉइंट्स कवर कर पाते हैं क्योंकि यहाँ पर बारिश शुरू हो गई है, बारिश वाला मौसम है, थोड़ी बारिश रुक रही है, शुरू हो रही है, लेकिन हमने देखा कि जो हमारा होम स्टे है ना, ये थोड़ा सा अंदर है मेन रोड से और एकदम अंदर अंदर एकदम जंगल में आके, तो कल शाम को यहाँ बारिश हो रही थी लेकिन जब हम थोड़ा बाहर निकले जहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह है वहाँ पर बारिश नहीं हो रही थी। तो अगर ऐसा ही होगा तो अच्छा हो जाएगा क्योंकि हमें ज़रा बाहर निकल के फ़ोटोज़ खींचने में आसानी होगी, घूमने में आसानी होगी। हो गया तो ठंडा ही है। नहीं खुला मत छोड़ो। day 3 है और हम पहुंच चुके हैं एलिफेंट दोबारे, जहां हमें एलिफेंट्स दिखेंगे। तुम्हारे हम लोग अभी आए हैं एलिफेंट दोबारे में और इतना एडवेंचरस था, सुपर एडवेंचरस। यहाँ पे जो है, यहाँ देख सकते हैं आप कि कोई ब्रिज नहीं है, यहाँ आने के लिए क्रॉस ही करना पड़ता है और पत्थर पे से आना पड़ता है और पूरे रास्ते में नदी में पत्थर नहीं है, कहीं पे एकदम गड्ढा है, पानी है, काई वाले पत्थर है, स्लिपरी। तो फाइनली वी हैव मेड इट, हम इस साइड में आ गए हैं। मेरी तो पूरी तरीके से फट गई थी यहाँ पे, जैसे जैसे पहुँचा हूँ अभी पता चला है कि यहाँ पे आने के बाद कि वापस जाने के लिए भी इधर से जाना पड़ता है, तो मेरी शक्ल दिख रही है ऐसा दिख रहा हूँ मैं फिलहाल, जाते टाइम कैसे रहूँगा क्या पता वो निकलते टाइम भी वैसे ही था वो कितना अच्छा ग्रीन है यहाँ पर नदी के इस साइड आने से पहले लग रहा था कि यार नदी में इतने ऊबड़ खाबड़ पत्थर है, दोनों साइड नदी डीप है, क्रॉस करना मुश्किल है, कैसे करेंगे, पर यहाँ आने के बाद लग रहा है कि पूरे जो एफर्ट्स है हमारे वर्थ है, बहुत ही सीनिक है। ऐसे ले सकती हो वीडियो? कैसे? मैं देख रही हूँ ना, दिखाओ। एलिफेंट दोबारे में एंटर करते से ही शुरुआत में आपको दिखेगा थोड़ा सा ये स्पेस जहाँ पर बहुत सारे एलिफेंट्स हैं, इनके लिए चारा रेडी किया जा रहा है, चारा खिला के आप फोटो खिंचवा सकते हो इनके साथ, और जस्ट साइड में ना एकदम जंगल है, तो एलिफेंट्स कुछ स्पेसिफिक टाइम में ही बाहर आते हैं जहाँ इन्हें खिलाया जाता है और उसके बाद इन्हें पूरा खुला जंगल में छोड़ दिया जाता है। हाथी आया सूंड हिलाता, हाथी आया आगे मुझे पोयम याद नहीं बाय द वे इन्हें चारा खिलाने के साथ साथ नहलाया भी जाता है, तो नदी में ये जाते हैं, बढ़िया से लेट जाते हैं और फिर नहाते हैं।
नेक्स्ट हम आए हैं चिकलीहोले डैम। ये भी जंगल के बीचों बीच है, एक तरफ पानी है और जब ये ओवरफ्लो होता है तो दूसरी तरफ जाता है। जो आप ये हिस्सा देख रहे हैं पत्थरों वाला, ये शायद वीडियो में इतना अपीयर ना हो रहा हो, पर ये बहुत डीप है। ये आप देख सकते हैं जैसे ग्रीन साइड है ना, ऐसी ही साइड दूसरी तरफ पत्थर की है, एकदम डीप। ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, जब डैम ओवरफ्लो होता है तो यहाँ से पानी नीचे की तरफ आता है और ये जो सर्कुलर हिस्सा आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर दिखता है। ये मैंने गूगल पे फोटोज देखी है, पर अभी बारिश की शुरुआत जस्ट हुई है तो फिलहाल ओवरफ्लो नहीं हो रहा है। बहुत ही काम और शांत यहाँ पर आपको आकर लगेगा। अगल बगल एकदम ग्रीनरी है, बड़े बड़े पेड़। डैम के हम थोड़ा घूमे फिरे, फोटोज हमने खींची, वीडियो बनाए और हम वापस जा रहे हैं मडकेरी। वहाँ पे एक फोर्ट है यानी किला, जो कि बहुत बड़ा किला नहीं है, छोटा फोर्ट है जो हम देखने वाले हैं और हम आ चुके हैं यहाँ पर। फोर्ट में हम पहुंच तो चुके हैं लेकिन बारिश हो रही है फिलहाल, बहुत तेज़ नहीं हो रही है तो हम लोग बस घूम रहे हैं। और काफ़ी पुराना सा ये फोर्ट है और यहाँ पर हमने फ़ोटोज़ खींची है, फ़ोटोज़ बहुत अच्छी आई है यहाँ पर। हमारी पूरी ट्रिप इस एक वीडियो में कवर नहीं होगी, अगर हम करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए ये वीडियो है पार्ट वन ब्लॉग का और पार्ट टू जल्दी ही आएगा। तो इस वीडियो को भी देखें, लाइक करें और पार्ट टू आने का वेट करें।